हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सेफ्टी प्रोफेशनल काशिफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, सेफ्टी से रिलेटेड जानकारी के लिए, और बेल आइकन को क्लिक करके हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट जानें। हेलो दोस्तों, टुडे टॉपिक, आज का टॉपिक है व्हाट इज वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या है, व्हाट आर द प्रिकॉशन फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग के लिए क्या क्या प्रिकॉशन है सेफ्टी में, हम उसके बारे में आज हम बात करेंगे। व्हाट इज वेल्डिंग, वेल्डिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ मेटल्स आइदर बाई इलेक्ट्रिकल और बाई गैस इज कॉल्ड वेल्डिंग। इलेक्ट्रिकल या गैस के द्वारा धातु को जोड़ने की प्रक्रिया को वेल्डिंग कहा जाता है। कोई भी हम दो धातु को मिलाकर उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ना, उसको वेल्डिंग बोलते हैं। व्हाट आर द प्रिकॉशन फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग के लिए क्या क्या प्रिकॉशन है सेफ्टी में, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट में देखते हैं, रिमूव ऑल कम्बस्टिबल मटेरियल फ्रॉम द प्लेस ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग की जगह से सभी कम्बस्टिबल मटेरियल, जितने भी जलने वाले सामान है, उसको हम साइड कर देंगे, हटा देंगे, जिससे फायर का खतरा कम हो जाएगा। कोई भी पेंट वगैरह हो, वो सब सामान सामने में नहीं होना चाहिए। जहाँ पे वेल्डिंग हम करते हैं, 10 मीटर दूरी पे होना चाहिए। दूसरे नंबर हम देख रहे हैं, क्लियर द वर्क एरिया एंड कवर वुडन फ्लोर विथ फायर प्रूफ मैट्स। वर्क एरिया को साफ करें और फायर प्रूफ मैट्स के साथ लकड़ी के फर्श को कवर करें। जो भी जलने वाला सामान है, उसको फायर प्रूफ से हम कवर कर सकते हैं। थर्ड नंबर में, फायर वॉच शुड बी अवेलेबल एट वर्क लोकेशन। वर्क लोकेशन पर फायर वॉच होना चाहिए, फायर वॉच अलर्ट होना चाहिए वहाँ पे। उसको ट्रेनिंग होना चाहिए प्रॉपर, कि कोई भी फायर वगैरह ऐसा इंसिडेंट हो तो उस पर वो काबू पा सके। फायर एक्सटिंग्विशर के साथ में वहाँ पे खड़ा होना चाहिए। ऑल वेल्डिंग केबल्स शुड बी फुल्ली इंसुलेटेड। जितने भी वेल्डिंग केबल्स हैं ना, वो पूरा इंसुलेटेड होना चाहिए, अच्छा से कवर रहना चाहिए, डबल इंसुलेटेड होना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रिकल का खतरा कम हो जाएगा। ऑल वेल्डिंग मिक्स शैल बी डबल अर्थेड। जितने भी वेल्डिंग मिक्स है ना, सब डबल अर्थेड होना चाहिए। जितने भी मशीन है, सब डबल अर्थेड होना चाहिए। एक अर्थिंग अगर जब फेल भी होता है तो दूसरे अर्थिंग से हम काम कर सकते हैं। करेंट वगैरह लगे तो वो अर्थ के सहारे कोई भी जितने भी फॉल्ट होंगे वो पास हो जाएगा, और कोई भी वर्कर को करेंट लगने से बच सकता है। इसके लिए हम डबल अर्थिंग का यूज करेंगे। वेल्डिंग मशीन में कोई भी सामान में हम डबल अर्थिंग यूज करते हैं। वेल्डिंग एरिया शुड बी ड्राई एंड फ्री फ्रॉम वाटर। वेल्डिंग एरिया जो भी हम जहाँ पे भी वेल्डिंग करेंगे, वो सूखा होना चाहिए और पानी से अलग होना चाहिए। वहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जब इलेक्ट्रिकल का हम यूज करते हैं तो वहाँ पर कोई भी फर्श भीगा नहीं होना चाहिए। उससे इलेक्ट्रिकल अगर फॉल्ट होगा, जिससे किसी भी आदमी को करेंट लग सकता है, खतरा हो सकता है। कीप द फायर एक्सटिंग्विशर एंड सैंड। वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर रखना है और सैंड रखना है फायर इंसिडेंट से बचने के लिए। यूज लेदर हैंड ग्लव्स, ब्लैक गोगल्स एंड फेस सूट। लेदर हैंड ग्लव्स का यूज करेंगे बर्न इंजुरी के लिए। बर्न इंजुरी, हाथ वगैरह जलने से बचने के लिए हम लेदर हैंड ग्लव्स का यूज करेंगे। ब्लैक गोगल्स लाइट लगने के लिए, फेस हुड मतलब ब्लैक गोगल्स और फेस हुड का आँख के बचाव के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसका लाइट जो होता है बहुत खतरनाक होता है, आँख में लगने के बाद जलन होती है या आँख खराब होने का भी खतरा होता है। स्विच ऑफ द पावर व्हेन वेल्डिंग इज स्टॉप। वेल्डिंग जब स्टॉप हो जाएगा तो पावर को हम ऑफ कर देंगे, इलेक्ट्रिकल करंट को कट कर देंगे। डू नॉट अलाउ द हेल्पर टू डू वेल्डिंग। वेल्डिंग करने के लिए हम हेल्पर को कभी अलाउ नहीं करेंगे जब तक वो अच्छे से सीख न जाए। हेल्पर अगर जो वेल्डिंग करता है तो करंट लगने का भी खतरा हो सकता है, और सबसे पहले उसको बर्न इंजुरी भी हो सकता है और आँख में वो लाइट लगा सकता है। सबसे ज़्यादा खतरा वेल्डिंग के काम में आँख में लाइट लगने का होता है, जिसके वजह से हम हेल्पर को वेल्डिंग करने की इजाज़त नहीं देंगे। डू नॉट शिफ्ट ही वेल्डिंग केबल अनलेस द इलेक्ट्रिक पावर इज स्विच ऑफ। जब तक इलेक्ट्रिकल पावर हम स्विच ऑफ नहीं करेंगे, जब तक हम वेल्डिंग केबल को एक जगह से दूसरे जगह पे हम शिफ्ट नहीं करेंगे, पहले सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर कट करेंगे, उसके बाद ही हम वेल्डिंग केबल को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेंगे। वेल्डिंग केबल शुड बी विथ लग्स एंड केप टाइट। वेल्डिंग केबल को हम लग्स के साथ और अच्छे से टाइट करेंगे। लग्स रहने से क्या है, वेल्डिंग केबल लूज नहीं होता, वो एक प्रॉपर बना हुआ रहता है केबल को टाइट करने के लिए, जिससे केबल का पकड़ बना हुआ रहता है, करेंट लीकेज नहीं करता है और करेंट का सप्लाई भी बढ़िया से मिलता है। वेल्डर शुड बी ट्रेन प्रॉपरली। वेल्डर का हम ट्रेड वैलिडेशन चेक करेंगे कि वो कहीं पे और काम किया है या नहीं, कहाँ कहाँ पे काम किया, उसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, फिर हम उसको वेल्डिंग करने की इजाज़त देंगे। वेल्डर प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए।
प्रॉपर हाउस कीपिंग एंड गुड वेंटिलेशन इन द वर्क एरिया। वर्क एरिया में अच्छे से हाउस कीपिंग होना चाहिए और वेंटिलेशन होना चाहिए कि स्मोक वहाँ पे जमा ना हो। वेल्डिंग स्मोक बहुत खतरनाक होता है, इसके लिए हाउस कीपिंग और वेंटिलेशन जरूरी है। बैरिकेड द वर्क एरिया एंड पुट अ साइन बोर्ड। वर्क एरिया को बैरिकेड करेंगे और साइन बोर्ड वहाँ पे लगाएंगे कि वेल्डिंग वर्क इज प्रोग्रेस, दूसरे आदमी को अंदर आना मना है, लाइट वगैरह लग सकता है, करंट लग सकता है, इसके लिए अनऑथराइज पर्सन को अंदर आना मना है, वेल्डिंग वर्क प्रोग्रेस है और बैरिकेड जरूरी है। कोई भी काम करने, वेल्डिंग वर्क ही नहीं, कोई भी हम काम करते हैं तो उसके लिए बैरिकेशन जरूरी है कि अनऑथराइज पर्सन वहाँ पे डिस्टर्ब ना करें। स्मोकिंग शुड बी अवॉइड फ्रॉम वेल्डिंग एरिया। वेल्डिंग एरिया में स्मोकिंग दूर रखना है, वहाँ पे स्मोक नहीं होना चाहिए, कुछ भी स्मोकिंग कोई नहीं करना चाहिए, अनऑथराइज एंट्री बंद होना चाहिए, अच्छे से वहाँ पे काम फ्री फ्रॉम होके करना है। होस कनेक्शन शुड बी प्रॉपर मेड। होस कनेक्शन होना चाहिए अच्छे से, बढ़िया से होस कनेक्शन होना चाहिए फायर इंसिडेंट से बचने के लिए। वहाँ पे होस बिछा हुआ रहना चाहिए, वो भी चार्ज अवस्था में, चार्जेबल होस बिछा हुआ रहना चाहिए, ज्वाइंट विथ हाइड्रेंट। हाइड्रेंट से जोड़ के फायर होस को बिछा के हम रखेंगे, रेडी रखेंगे कि कोई भी फायर इंसिडेंट हो तो हम उस पर काबू पा सकें। प्रॉपर बूथ शुड बी वेल्डिंग वर्क। वेल्डिंग वर्क के लिए प्रॉपर हम बूथ बनाएंगे, फिर हम वेल्डिंग वर्क स्टार्ट करेंगे कि हम हमारे वेल्डिंग की वजह से दूसरे किसी को डिस्टर्ब ना हो, दूसरे किसी को लाइट ना लगे, इसके लिए हम बढ़िया से कोई भी स्पार्क इधर उधर ना जाए वेल्डिंग करते समय, इसकी वजह से हम बूथ बना के ही वेल्डिंग वर्क स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से वेल्डिंग करते हैं। तो दोस्त आज आपको हम वेल्डिंग के बारे में बढ़िया से बताए हैं। इतना काम अगर जैसे साइट पर आप देखते हैं, इतना प्रिकॉशन देखते हैं तो आपके एक्सीडेंट का रिस्क का पूरा खतरा खत्म हो जाता है और पूरा अच्छे से काम होता है।